हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं टिकटॉक वीडियो यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे, कि अगर आप अपनी वीडियोस को यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट करवा रहे हैं गूगल एडवर्ड्स से अपने वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए, अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कराने के लिए, तो वो आपको करना चाहिए या नहीं, तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइड में आपको रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा, उसे दबाकर और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अभी आपने देखा होगा कि ये टॉपिक बहुत सर्च हो रहा है और यूट्यूब पे भी मैंने कई सारी वीडियोज़ देखी हैं, उसमें बता रहे हैं कि और लोग कई सारे हैं वो जो कि अपनी वीडियोज़ को गूगल एडवर्ड्स से जो कि है प्रमोट करवाते हैं वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए, अपने मोनेटाइजेशन को ऑन कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो यूट्यूब का नया अपडेट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्लासिक वर्ज़न था पहले, जो कि हमारा जब अपडेट नहीं हुआ था यूट्यूब 2018 में, क्लासिक वर्ज़न था उस टाइम पर, उनका बग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उसमें क्या होता था कि आपका जो यूट्यूब से जो आप वीडियोस को जो गूगल एडवर्ड्स से जो वीडियोस को आप प्रमोट करवाते थे उसका वॉच टाइम वो काउंट होता था और आपको मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता था। लेकिन अब 2019 में जो अपडेट आया है उसमें क्या है कि जो क्रिएटर स्टूडियो है जो कि बीटा वर्जन था वो अब अप्लाई हो गया, और उसमें क्या है, उसमें ये बग फिक्स हो गया कि जो आपका रियल टाइम व्यूज़ का जो वॉच टाइम आ रहा है, जो आपके खुद की वीडियो का है पब्लिक का, वो आपको मिलेगा, वो काउंट होगा। लेकिन अगर आप अपनी वीडियोस को गूगल एडवर्ड से अगर आप प्रमोट करवा रहे हैं तो उसका जो वॉच टाइम है वो बिल्कुल भी नहीं ऐड होगा। तो इसमें सिर्फ आपका पैसा ही डूबेगा, आपका पैसा ही बर्बाद होगा। अगर आप अपना वॉच टाइम के लिए ये सब कर रहे हैं तो मत कीजिए। और अगर आप एक चैनल को बूस्ट देना चाहते हैं, आपके पास कंटेंट है लेकिन व्यूज़ नहीं आते, तो उसके लिए ये ठीक है कि अगर आप अपने व्यूज़ हैं वो बढ़ाना चाहते हैं, अपने चैनल को इनिशियली बूस्ट करना चाहते हैं, तो ये ठीक है कि आपकी वीडियो है वो थोड़े लोगों तक पहुँचेगी और उनको पसंद आएगी तो वो फुल देखेंगे, तो जिससे क्या होगा कि आपकी वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा और आपकी वीडियो है अगर आप ऐड भी नहीं लगाएंगे बाद में तो वो आगे सर्च होगी और लोगों उसको प्ले करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि गूगल एडवर्ड से अगर आप वीडियोस वॉच टाइम के लिए कराते हैं तो मत कराइए, ये सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होगा। इसमें वॉच टाइम नहीं काउंट होगा, काउंट वही होगा जो आपका रियल टाइम व्यूज़ का होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं कि अगर आप सच में ही पैसा लगाना चाहते हैं, व्यूज़ लेना चाहते हैं वॉच टाइम के साथ, तो अगर आप चाहें तो मैं एक एप्लीकेशन है जो कि जेन्युइन व्यूज़ देता है, और मेरे चैनल पर अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट वीडियो देखेंगे जो कि वीडियो एडिटर के ऊपर है, वो मैंने वहीं से थोड़ी बूस्ट कराई थी स्टार्टिंग में, और आगे अभी आप देख सकते हैं उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, वॉच टाइम भी काउंट हो रहा है। तो एक तो ये है, और अगर आपका चैनल व्यूज़ के लिए अगर आप ये कर रहे हैं एडवर्ड से, जैसे कि आप व्यूज़ बढ़ाना, आपका मोनेटाइजेशन ऑन है और आप व्यूज़ लाना चाहते हैं उस पर, तो ये ठीक है, मैं कहता हूँ कराइए आप। अगर आपकी वॉच टाइम है वो कंप्लीट है, आपका मोनेटाइजेशन ऑन है, लेकिन आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो आप गूगल एडवर्ड से ऐड करवा सकते हैं, अपनी वीडियो को प्रमोट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप वॉच टाइम के लिए कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ अभी रोक दीजिए, या तो फिर अगर आप व्यूज़ अपने बूस्ट देने के लिए कर रहे हैं अपनी इनिशियल वीडियोस को तो आप कर सकें, लेकिन उससे आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं उस एप्लीकेशन में क्या है, आप फ्री में भी अपनी वीडियोस का है वो उसमें आप प्रमोट करवा सकते हैं, और उसमें आप पैसों से भी करवा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियोज़ मैं आगे लाऊँ, वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं उस वीडियो को बना सकूं और आपके पास सबसे पहले पहुंचा सकूं, जिससे कि आप अपनी वीडियोस का फ्री प्रमोशन करवा सकें। तो चलिए, इतना ही है आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और हाँ, शेयर करिए, और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।